सब जानता है लोग किस तरह से वहाँ चोरी होता है, आए दिन छीनते ही होता है, बैंक से लोग रुपया निकालता है तो उसी का गुर्गा घूमते रहता है और लोगों को रुपया भी छीनने का काम करता है। यहाँ से मोटरसाइकिल छिनाएगा तो पूर्णिया जाएगा, पूर्णिया से छिनाएगा तो मधेपुरा जाएगा, मधेपुरा से छिनाएगा सापुर कमाल जाएगा, खगड़िया से छिनाएगा तो पूर्णिया जाएगा। इसी तरह का छिनताई ग्रुप है, गुंडागर्दी करता है और जनता की गाड़ी कमाई को जनता के विश्वास को पानी फेरने का काम करता है। यही मेरा बयान है, दूध का दूध पानी का पानी करे और धरातल पर काम हो रहा। मेरे काम से कुछ कथा कथित लोग घबरा गए हैं। मेरे सुरक्षा गार्ड पर जो सफाई कर्मी के पिटाई का आरोप लगाया गया है वह सरासर गलत एवं बेबुनियाद है। उक्त बातें खगड़िया सदर जदयू विधायक पूनम देवी यादव ने अपने आवास पर पत्रकारों के सवाल के जवाब के दौरान कही। पूनम देवी ने कहा कि खगड़िया नगर परिषद के 26 वार्ड में नरकीय स्थिति बना हुआ है। नगर परिषद के लोगों ने हमें शिकायत किया कि स्थिति बद से बदतर है, जाम लग जाता है, जिसकी जांच करने पहुंची सही पाया गया। जाम में फंसे रहने के कारण सफाई कर्मी ने गाड़ी हटाकर जाम तोड़े जाने की बात कही, कहा उल्टे सुरक्षा गार्ड से ही उलझ गया। पूनम ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है उक्त कर्मी शराब के नशे में था, समझाने के बाद नहीं समझ रहा था तथा सुरक्षा गार्ड ने हटाया, जहां कुछ तथा कथित लोगों ने इसकी पिटाई के मामले को तुल दे दिया। पूछे जाने पर पूनम देवी ने कहा कि यह पहले से ही सोची समझी चाल था। पूनम देवी ने कहा कि जिसने यह करवाया वह भी दूध का धुला नहीं है। नाम पूछे जाने पर पूनम देवी ने कहा कि नगर परिषद के सभापति के पति गुंडागर्दी पर उतारू हैं, शराब का अवैध कारोबार होता है, जिसके पास कुछ नहीं है वह आज करोड़ों का मालिक हो गया है, जगह जगह पर करोड़ों का मकान है। विधायक ने आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी की है। देखिए बीटी न्यूज बिहार के लिए खगड़िया से पवन कुमार की रिपोर्ट। इसका न हो न है न हालत है। ये नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत जितने भी वार्ड है 26 वार्ड है, और 26 वार्ड में वहाँ के व्यवसायी भाई के द्वारा कॉल किया गया, आम नागरिक के द्वारा कॉल किया गया कि मैडम आप मेन रोड हो या 2600 वार्ड हो, आप एक बार भ्रमण कर लीजिए। और हम लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं और नगर में कोई साफ सफाई नाम चीज नहीं है, रोड जर्जर है, आए दिन वर्षा हो रही है। हमको लगता है फिर हम लोग नारकीय जीवन जिस तरह पिछले साल भी नारकीय जीवन जिए और इस बार भी हम नारकीय जीवन जीने को हम लोग व्यवसायी भाई और नागरिक दिवस है उनके कहने के उपरांत हम नगर परिषद क्षेत्र के मेन रोड में जब गए, मेन रोड में वहाँ के पब्लिक व्यवसायी भाई हमको बता ही रहे थे, गाड़ी में हम खड़े बैठे थे बता ही रहे थे कि ये गंदगी अभी का उठाता है, 2:30 बज रहा है और कचरा अभी उठा रहा है नगर परिषद के द्वारा, ये कचरा मैडम सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात्रि में इसको करवा दीजिए, अगर रात्रि में करता है या सुबह में करता है ये जो दुर्गंध देता है और जो ये पैखाना की तरह महकता है और कीचड़ में हो जाता है, ये समस्या से हमको निजात दिलाई। इतना ही देर में नगर परिषद का जो गाड़ी थी कचरा उठा रहा था वो 2:30 बजे दिन में सही में जो कहा वहाँ के व्यवसायी और आम पब्लिक सही में वैसा ही मिल गया और देखा गया जाम की स्थिति था। और जाम की स्थिति रहने के बाद कुछ लोग हमको कहने के लिए आए, मैडम इसी तरह हर रोज़ यहाँ पे जाम रहता है इस सड़क में, क्योंकि बाहर के जिला के लोग आते हैं अपना खरीद करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन हम लोग ये दुर्गंध से हम लोग खरीदारी नहीं कर पाते। और यहाँ और पिटाई का जहाँ तक मामला है, हमारा अंगरक्षक है, हमारा हम पर 2 बार हमला किया गया, आप जानते हैं सारे पत्रकार और सोशल मीडिया भी जानते हैं कि हम पर कई बार हमला किया गया, हम बाल बाल बचे, लेकिन हमारा सुरक्षा कर्मी हमारा सुरक्षा में थे और कोई ऐसे गार्ड अगर कुछ उसको कहा होगा या उसका साजिश होगा, उस साजिश के तहत सोची समझी के नगर भ्रमण नहीं करे और उसको रोकने के लिए ऐसा काम किया गया,
से जिसके ड्राइवर का नाम लेता है, पिटाई का मामला करता है, वो ड्राइवर ना तो उसके पास आईडी कार्ड है, ना उसके पास क्या कहते हैं ड्रेस कोड है, और किस तरह से नगर परिषद में वो कचरा उठा रहा है। और हमने अपने बॉडीगार्ड को, अंगरक्षक को भेजा, देखो कौन ड्राइवर है जो ये लोग व्यवसायी भाई आम नागरिक बता रहे हैं कि जाम की स्थिति किए हुए कचरा उठा रहे हैं इतना, 2 बजे दिन में 2.5 बजे दिन में तुम उसको बुला के लाओ। जब उसको बुला के लाया तो शराब के नशे में धूप था, वो यह दूरी में खड़ा रहो और क्या बात है, तो कहा कि हमको ये कुछ बोला के लिए कुछ क्यों, कोई बोलेगा कोई होगा, अरे तुमको शराब के नशा में वो सिखा सिखाया हुआ बात बोल रहा था, हम कह जाओ तुम और कह दो कि कचरा 2 बजे दिन 2.5 बजे दिन में नहीं उठेगा, सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठेगा और रात्रि में तुम कचरा उठेगा, तुम जाओ। उसके बाद हम लोग गाड़ी में पब्लिक का आवाज़ सुन करके, व्यवसायी का आवाज़ सुन करके, और जब उनसे नोक झोंक हुई तो उनका हथियार भी छीनना चाहा वो नशे के हालात में। तो हम चाहते हैं जो नशे के हालात में वो ड्राइवर था, क्या था, नहीं था नगर परिषद का गुंडा था या कौन था जो जरब किया, उसकी जांच होनी चाहिए। शराब जो शराब में है कि राजनीतिक साजिश, राजनीतिक साजिश के तरह हम तो सोचेंगे, राजनीतिक साजिश के तरह से ये घटना था, क्योंकि घटना अगर कोई ऐसा होता है तो शराब के नशे में भूत कोई नहीं रहेगा और उसको ड्रेस कोड रहेगा और इस तरह से वो एक आमने सामने वो बात नहीं करेगा। एक ड्राइवर तो उसका गुंडा है, गुंडा पाले हुए नगर परिषद का, और वो गुंडा के द्वारा इस तरह का माहौल खड़ा करना चाहता था। ये जो नारकीय स्थिति है नगर में, 2007 में जो सरकार के द्वारा श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो राशि आया, 100 करोड़ राशि आया, 1-2 रुपया नहीं आया, 100 करोड़ की राशि आया, 100 करोड़ की राशि 26 वार्ड की जनता और आम नागरिक उससे हिसाब लेना चाहती है, और वो हिसाब दे 2007 से कि जो राशि आया सरकार के द्वारा किन किन मद में, किन किन योजना में उन्होंने खर्च किया, और योजना में खर्च कम, रोड सड़क कम बनता है, नाला कम बनता है और उसका राशि उठ जाता है। आज नगर परिषद क्षेत्र में आप देख रहे हैं जो जिसका तंबू एल्बेस्टर का घर था, आप लोग भी देखे होंगे, आज जगह जगह पर उनका मकान है, पक्का मकान है, जनता का मुंह, जनता का फेस, चेहरा काला हो गया है और उसका पेट निकल गया, फेंक रहा पेट। तो आप समझ सकते हैं कि जनता की जो गाढ़ी कमाई है और एक निजी नगर परिषद के द्वारा लूट खसूट किया जाता है। हाल ही में आपने देखा जो राजेंद्र नगर स्टैंड में, उसी के द्वारा 1 साल पहले कार्य किया गया था नगर परिषद के द्वारा, और जो हालात है उस सड़क का, जब बड़ा सड़क आएगा PWD RWO जब सड़क आएगा तो ठीकरा दूसरे पर फेंकेगा। हम कहना चाहते हैं और 26 नगर वार्ड की जनता कहना चाहती है कि आप 26 नगर वार्ड की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। और इस घटना के बाद हमने तुरंत जिला अधिकारी को फोन लगाया, हमने कहा कि DM साहब आप नगर को देखिए, पर्सनली देखिए और मुआयना कीजिए, जिस तरह से नगर का नारकीय स्थिति है ये बरसात के मौसम में, और नारकीय जीवन जीने को वहाँ के व्यवसायी भाई और जिला के आम पब्लिक जो खरीदारी करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, विवश हो जाएंगे। आप इनको देखिए, हम तुरंत फोन लगाए वहीं से, जो प्रभु नारायण शहीद प्रभु नारायण चौक है वहाँ से हमने फोन लगाया और जिलाधिकारी आश्वासन दिया कि हम दिखवा लेते हैं। और कुछ दिन पहले हमने नगर परिषद क्षेत्र का जितना भी सड़क है, PWD का सड़क है, बाईपास का सड़क हो, चाहे वो बकरी बस स्टैंड स्टेशन का सड़क हो, चाहे NHI का सड़क हो, हमने 4 दिन जिलाधिकारी से संपर्क कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमने बताने का काम किया, चाहे हमारे द्वारा अनुशंसा क्या हुआ RO सड़क क्यों ना हो, चाहे वो सनौली का सड़क हो, कुतुबपुर का सड़क हो, शेखपुरा का सड़क हो, चाहे वो तमाम जो RO का सड़क है उस सड़क को आप दिखवा करके, आप RO को सड़क को या PWD के सड़क को, नगर का सड़क को आप मुआयना करा करके सही कराइए। ये आप SP ने जो आरोप लगाई है कि निलंबन का कार्रवाई सुरक्षा कर्मियों को कर दिया जाए, इसको नहीं हाजिर कर दिया जाए, जो किया है वो पता है, चिट्ठी निकला है कि निलंबन होना चाहिए, कोई तरह का वैसा कोई विजुअल कुछ कि हमारा अंगरक्षक हमारा सुरक्षा करेगा, हमारा सुरक्षा कर्मी लाठी चलाएगा,
अगर लाठी भी चलाएगा तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जान के दृष्टिकोण से, पब्लिक अगर बताइए कि जान की स्थिति है तो उसको सुरक्षा के लिए हटाया जाएगा, उसका काम है, और उसका काम है कि हमारा रक्षा करना। तो ये निलंबन की बात ही नहीं है। अगर कहता है कि हमारा अंगरक्षक ऐसा है तो हमारे अंगरक्षक से बयान ले ले और बयान लेके बताए, तब कोई निलंबन की कार्रवाई होती है। सीधे कह देने से, सोशल मीडिया में लिख देने से, बोल देने से, चिल्ला के बोलने से कुछ नहीं होता है। और इसके लिए हमारा अंगरक्षक है, उनसे पूछा नहीं गया, उनसे पूछिए क्या बात है, वो जो है धरातल पर आपको सब कुछ दिखाई दे देगा। कोई फर्जी चिल्ला के बोल देगा।